हेलो गाइस, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मोबाइल अपना रीसेट होता है, ऐसे ही अपनी गाड़ी भी रीसेट होती है। तो मेरे मीटर में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, इसके वजह से मैंने बैटरी के टर्मिनल हटा के देखा। तो हटा के देखा तो इसमें एक नई चीज़ सामने आई। ये डिस्प्ले पे देखो आप, डिस्प्ले पे लॉक लग गया है। तो इसका लॉक मुझे मालूम नहीं है, तो इसको कैसे खोलें इसकी जानकारी मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने कंपनी में पता फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बताया कि इसका इसके अंदर जो डिस्प्ले के खोलने के बाद इसके अंदर लिखा रहता है फर्स्ट, दूसरे नंबर इसके जो ये है यहाँ पे लिखा रहता है, पर यहाँ पे नहीं लिखा है। इस पर ये दूसरी साइड भी हो सकता है। अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर आप एक काम करो, ये बुक आती है इसमें, तो इसमें बुक में लिखा रहता है रेडियो करके होगा। तो मैंने पीछे पे देखा रखा था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखो रेडियो कोड कितना है, 4380। ये आपका हटके भी हो सकता है, मेरा 4380 है। तो मैं इसको डाल के बताता हूँ आपको, 4380। ये देखो इसको ओके दबाएंगे तो इसको ये देखो खुल गई, खुल गया। इसकी जानकारी बताना चाहूँगा। और इसके बाद आप हमेशा याद रखो, अगर आपका मीटर ये डिस्प्ले दिख रही है, अगर इसमें कुछ भी एरर आता है तो आप बैटरी के टर्मिनल हटा दो कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो वो अपने आप चली जाएगी और उसके बाद ये लॉक हो जाएगी। तो उसको आपका पिन याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास, किताब में भी नहीं आया है, तो आप एक काम करो, सर्विस सेंटर पे कॉल लगाओ, वो आपको बताएंगे। अपने गाड़ी का नंबर बताना या फिर आप उस नंबर को नोट कर लो किसी डायरी में, ठीक है। इसी की जानकारी देना चाहूँगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें, ठीक है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।